सो गाइस, अब इस वीडियो में हम बात करने वाले दो जहर अपडेट्स के बारे में, जो कि यहाँ पहली जुड़ी है जॉन मॉरिसन के रिटर्न से, जिसके बारे में हम पूरा यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। और फिर दूसरी अपडेट जो यहाँ से जुड़ी रहेगी वो है पायरो के रिटर्न से, यानी कि अगर सिंपल भाषा में बात करें तो आतिशबाजी के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न करवाने वाली आतिशबाजी का। तो सारा कुछ आपको इस वीडियो में। सो गाइस, पहले अपडेट से शुरुआत करते हैं जो कि यहाँ पे पायरो के रिटर्न से जुड़ा हुआ है। तो गाइस, अगर पायरो को नहीं जानते तो वैसे तो आप जानते ही होंगे, अगर पायरो के बारे में नहीं जानते हो तो देखिए गाइस, पायरो होता है जो डब्ल्यूडब्ल्यूई धूम धड़ाका यहाँ पे करवाती है, यानी कि आतिशबाजी पटाखा वगैरह, जैसे कि हम रेसलमेनिया, समर स्लैम जैसे बड़े शोज देखते हैं, जैसे सुपर शोडाउन वगैरह। तो वहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई जो यहाँ पे शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और किसी भी सुपरस्टार्स की एंट्री को और भी तड़कता भड़कता दिखाने के लिए यहाँ पे पायरो का यहाँ पे यूज़ करती है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो यही होता है पायरो, और ये किसी भी सुपरस्टार्स की एंट्री में चार चांद लगा देता है, जैसे कि रेसलमेनिया वगैरह में हमें देखने को मिलता है। अब जैसे हम याद करें, यानी 2017 के ड्राफ्ट से पहले, 2016 जो भी ड्राफ्ट हुआ था, तो उससे पहले यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यूई रॉ और स्मैकडाउन में ही पायरो यूज़ करती थी, जिससे कि लेसनर वगैरह के एंट्रेंस में यूज़ किया जाता था। तो अब कुछ समय से वो हम नहीं देख रहे थे, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई का बजट यहाँ पे लो हो चुका था। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई फॉक्स में मूव कराया, सारी चीज़ चेंज हो रही है, तो यहाँ पे पायरो फिर से वापस आएगा, और बड़े सुपरस्टार जैसे रोमन रेंस, लेसनर, अंडरटेकर, केन वगैरह के एंट्री में हम ये पायरो को वापस रिटर्न करते हुए देख सकते हैं। दूसरा अपडेट्स के बारे में बात करती है जॉन मॉरिसन जुड़ी। अगर आप जॉन मॉरिसन को नहीं जानते हो तो जॉन मॉरिसन वो सुपरस्टार हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना बहुत बड़ा नाम बना चुके हैं। अगर यहाँ पे आप शायद इम्पैक्ट देखते होगे तो वहाँ पे जॉनी इम्पैक्ट नाम का एक सुपरस्टार है, जो कि यहाँ पे जॉन मॉरिसन ही है। अब गाइस, यहाँ पे जॉन मॉरिसन जो कि एक बहुत हाई फ्लाइंग है सुपरस्टार थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, अब यहाँ पे उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़ दिया था कुछ 8 साल पहले। अब यहाँ पे 8 साल बाद जॉन मॉरिसन का रिटर्न होने वाला है। अभी अपडेट आ रही है PW Insider के तरफ से, यहाँ पे कि उन्होंने क्लियरली बताया है कि जो जॉन मॉरिसन है उनको डब्ल्यूडब्ल्यूई ने साइन कर लिया है। अब यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जॉन मॉरिसन किस ब्रांड में यहाँ पे अपनी एंट्री लेते हैं, या वो रॉ में जाएंगे, क्या स्मैकडाउन में जाएंगे, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पे जॉन मॉरिसन जाने वाले स्मैकडाउन में, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, तो फॉक्स के लिए मे बी डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर सकती है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जॉन मॉरिसन को डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरह से यूज़ करती है, क्या क्या उनके साथ करती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, और फिर बहुत कुछ, क्या उन्हें टाइटल शॉट मिलेगा, बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में। तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में और बात करेंगे, फिलहाल छोटी मोटी बातें कर लेते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है जॉन मॉरिसन आएंगे और ओवर पुश किए जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से। सो इसके बारे में हम अगले वीडियो या फिर मे भी बहुत और भी आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और एक रिमाइंडर आप सेट कर लीजिए, आज शाम तक के करीब में आ जाएगा फैक्ट्री डे का सेकंड एपिसोड, जो कि फ्राइडे को आता है, जिसमें मैं फैक्ट्स बताता हूँ। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो।